दोस्तों अक्सर होता यह है कि हम ई मित्र शो पर पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाने के लिए जाते हैं तो साथियों उसमें हमें काफी समय लग जाता है। परंतु साथियों अच्छा होगा कि हम घर से ही पीडीएफ फॉर्मेट में पासपोर्ट साइज फोटो बनाकर लेके जाए और उनको पीडीएफ डाल दे तो हमारी पासपोर्ट साइज फोटो तुरंत ही निकल जाएगी और ई मित्र धारक को भी हमारी पासपोर्ट साइज फोटो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनका काम भी आसान हो जाएगा और हमें भी पासपोर्ट साइज बनाना सीखने को मिल जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो किस तरीके से बनाया जाता है एमएस वर्ड के अंदर। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं साथियों वीडियो की तरफ। तो साथियों पासपोर्ट साइज फोटो आप बनाने के लिए एमएस वर्ड, कोरल ड्रॉ और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एमएस वर्ड में बनाना सिखाऊंगा क्योंकि एमएस वर्ड लगभग हर पीसी या फिर लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाता है। तो साथ ही पासवर्ड साइज फोटो के कुछ मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो साथ ही पासवर्ड साइज फोटो के, यहाँ पर आप पासवर्ड साइज फोटो के एग्जाम्पल देख सकते हो। हम इस तरीके के पासवर्ड साइज फोटो आपको बनाना सिखाएंगे। इसमें साथियों आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत ही पासपोर्ट साइज फोटो तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं साथियों वीडियो की तरफ। साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है, एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आपको पता होगा स्टार्ट बटन में जाना है और आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप इसको आसानी से ओपन कर सकते हो। इसके बाद में साथियों यहाँ पर मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इसको मैं कट करके हटा देता हूँ। साथियों आपको क्या करना है, आपको पेज लेआउट में आ जाना है, पहले मार्जिन में आ जाना है और यहाँ पे नेरो जो आपको दिख रहा होगा नेरो पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में साथ ही आपको पेपर साइज, यहाँ पे साइज आपको देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर पेपर जो है साइज वो आपको A4 कर लेनी है। यहाँ पे A4 आपको दिख रहा होगा, A4 साइज आपको कर लेनी है। इसके बाद में साथियों अब आपको क्या करना है, फोटो लेना है, जो भी फोटो आपकी जहाँ पर भी आपने डेस्कटॉप या डाउनलोड में सेव कर रखी है उस फोटो को अब हम यहाँ पर लेकर आएंगे जिसके हम पासपोर्ट साइज फोटो बनाने वाले हैं। तो साथियों हम इंसर्ट में जाएंगे, फिर यहाँ से पिक्चर में जाएंगे और उसके बाद में हमने जो फोटो है साथियों यहाँ पर सेव कर रखी है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब साथियों यहाँ पर आपको फोटो दिख रही होगी, फोटो हम यहाँ पर फोटो पे एक बार क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो फोटो हमारी यहाँ पे आसानी से ऐड हो जाएगी। अब साथियों होगा क्या, आप जब भी कभी भी फोटो ऐड करोगे तो कभी आपके सामने फोटो की साइज जो है बिल्कुल छोटी आएगी, कभी हो सकता है आपके सामने फोटो की साइज बहुत ज्यादा बड़ी आएगी। तो साथियों जो फोटो की एक्चुअल साइज होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हो एक्चुअल साइज क्या होती है, तो मैं आपको फिर भी दिखा देना चाहता हूँ। साथियों जब आप फोटो लोगे तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है फोटो की जो साइज है, यहाँ पे आपको रूलर बार में डेट दिख रहा होगा यानी 1.5 आप यहाँ पे गिन सकते हो, यहाँ पर एक है 1.5 यानी इससे जो है फोटो की साइज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप चौड़ाई में देख सकते हो यहाँ पे 1.5 आपको दिख रहा होगा, इससे कम ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो आप यहाँ से साथियों आसानी से कम ज्यादा इसको फोटो को कर सकते हो, यहाँ से आप माउस की सहायता से कम ज्यादा कर सकते हो। फिर भी आपको कोशिश करना है 1.5 से कम ही रखना है, इसके बराबर भी नहीं रखना है, इससे कम ही रखना है। तो ये तो हो गई फोटो की साइज की बात कि एक्चुअल साइज क्या होती है। अब फोटो आप ले लोगे साथियों उसके बाद में साइज भी आप सेट कर लोगे, उसके बाद में आपको फोटो पे क्लिक करना है और अब आपको फोटो में बॉर्डर लगानी है। तो साथियों फोटो में बॉर्डर लगाने के लिए आपको यहाँ पर आपको फॉर्मेट में जाना है और आपको यहाँ पे बॉर्डर दिख रही होगी, देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये वाली बॉर्डर लग चुकी है, सेकेंड वाली पे क्लिक करता हूँ तो ये वाली बॉर्डर लग चुकी है, थर्ड वाली पे क्लिक करता हूँ तो ये वाली लग चुकी है। तो इसमें बहुत सारे बॉर्डर है साथियों, आप जो भी आपको बॉर्डर पसंद आए वो बॉर्डर आप यहाँ पर आसानी से लगा सकते हो। यहाँ पे देखो और भी काफी सारी बॉर्डर हमको देखने को मिल जाती है, जहां पर आप कोई सी बॉर्डर जो आपको पसंद आए वो आप आसानी से लगा सकते हो, इसमें कोई भी आपको समय नहीं लगने वाला। तो साथियों मैं अधिकतर ये बॉर्डर लगाता हूँ या फिर ये जो फर्स्ट में दिख रही है ये बॉर्डर लगाता हूँ। तो अभी मैं आपके सामने ये बॉर्डर लगा के दिखा रहा हूँ, तो ये देखो हमारे सामने फोटो, एक फोटो तैयार हो चुकी है। अब साथियों आपको क्या करना है, फोटो पर एक बार क्लिक करना है, बॉर्डर लगा दी है हमने, बॉर्डर लगाने के बाद में फोटो पे एक बार आपको क्लिक करना है, फिर आपको कीबोर्ड में आ जाना है या फिर साथियों आप यहाँ पर भी आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद में आपको
क्या करना है, कॉपी पे क्लिक कर देना है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद में साथियों आपको क्या करना है, कीबोर्ड में आ जाना है और कंट्रोल वी कर देना है। एक बार मैंने कंट्रोल वी किया तो यहाँ पर दो फोटो हो चुकी है, दो बार कंट्रोल वी किया तो तीन फोटो हो चुकी है, फिर से मैंने कंट्रोल वी किया तो चार हो चुकी है, फिर से कंट्रोल वी किया, फिर से किया, फिर से कंट्रोल वी किया और फिर से कंट्रोल वी किया। अब आप देख सकते हो साथियों हमारे सामने आठ फोटो तैयार हो चुकी है। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपने पासपोर्ट साइज फोटो जिस तरीके से बनाई जाती है वो सीख ली है, एक्चुअल साइज भी आपने सीख ली है। अब साथियों आपको यहाँ पर फाइल में आ जाना है, यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में फोटो को आप कहाँ पर भी जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हो, साथियों मैं यहाँ पे जी डिस्क में सेव करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। और साथियों यहाँ पे आप पीडीएफ फाइल का नाम जो भी देना चाहते हो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, पासवर्ड साइट फोटो, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा साथियों, सेव एज टाइप में यहाँ पे आपको क्या करना है, पीडीएफ फॉर्मेट कर देना है। इसके बाद में साथियों आपको सेव कर क्लिक कर देना है। अब साथियों आप देख सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी फाइल जो है सेव हो चुकी है। इसको मैं आपको दोबारा से फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं आ गया जहाँ पर मैंने सेव की थी, जी डिस्क में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे पासवर्ड साइज फोटो के नाम से हमारी पीडीएफ है वो सेव हो चुकी है। अब आसानी से आप इसे व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे इमित्र धारक को भेज सकते हो, जिससे इमित्र धारक को भी काफी समय नहीं लगेगा और आपका भी काम जल्द से जल्द वो कर देगा, आपको बैठाए नहीं रखेगा। आशा करता हूँ साथियों वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो में दी हुई जानकारी से आप प्रभावित भी हुए होंगे। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आया है और वीडियो में दी हुई जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए राम राम साहब।